आप लोग सोच रहे होंगे टेलीविजन जर्नलिज्म का मतलब वो जो प्राइम टाइम में रात को 9 बजे 8 बजे 7 बजे आप देखते ही भीड़ को बिठा लिया जाता है, एक विक्टिम बना दिया जाता है और उस पूरे 1 घंटे या 2 घंटे के शो में सब उसकी पिटाई कर रहे होते हैं। दैट इज नॉट जर्नलिज्म, दैट इज नॉट टेलीविजन जर्नलिज्म। देखिए वो रियलिटी टेलीविजन हो सकता है, यानी कि ठीक है अगर आपको वो जर्नलिज्म लगता है तो मुझे लगता है कि फिर आपको बिग बॉस भी जर्नलिज्म लगना चाहिए। जर्नलिज्म नहीं है दोस्तों, वो लेजी जर्नलिज्म है, आलसी जर्नलिज्म है, क्योंकि फील्ड में भेजकर आपसे काम कराने में संस्था के रिसोर्सेज लगते हैं, आपका दिमाग लगता है, आपको कंसेप्चुलाइज करना पड़ता है, आपको खबर ढूंढ के लानी पड़ती है, आपके पास खबर होती है, जब आप फील्ड पर भी जाते हैं तो आप उसे कैसे शूट करेंगे, आप उसे कैसे फिल्म करेंगे, इन तमाम चीजों पर आपको गौर करना पड़ता है, यानी कि एक क्रिएटिव प्रोसेस चलता है। एक डिबेट में क्या होता है, आपने एक प्रोपेगेंडा सही कर दिया, मुलाकात कर रहे हैं कमलनाथ जी, विषय तय कर एक लिया और उस विषय के हिसाब से लोगों को लड़ाया जा रहा है, उसमें ना रचनात्मकता है, ऊपर से किस्म का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, जिसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा मैं। मगर एक व्यक्ति जो फील्ड में उतरता है उसमें संस्था के रिसोर्सेस जाते हैं, बल्कि सबसे अहम बात सत्ता की जवाबदेही तय होती है। जब आप ग्राउंड में उतरते हैं, जब आप जमीन हकीकत लाते हैं, तो तब सत्ता को सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। अगर कमलनाथ जी ने दावा किया कि मैंने तमाम किसानों के ऋण चुका दिए, मगर जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपको उसकी हकीकत पता चलती है, तब जवाबदेही तय होती है सत्ता की। जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैंने दस्तक 1 दस्तक 2 के तहत इंसेफ्लाइटिस पर पूरा कंट्रोल कर दिया है, मगर जब आप जमीन पे जाते हैं तो ये धावा कितना खोखला होता है, तब आपको पता चलता है। ये होता है ग्राउंड रिपोर्टिंग और प्रोपेगेंडा के बीच का फर्क। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों कि टेलीविजन रिपोर्टिंग, देखो टेलीविजन रिपोर्टिंग है ना दोस्तों, वो जर्नलिज्म की आत्मा है, वो एक न्यूज चैनल की आत्मा है, और अफसोस ये है दोस्तों धीरे 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 इसे खत्म किया जा रहा है। अमूमन जब मैं विद्यार्थियों से बात करता हूं तो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करता हूं। मैं आपको 3 क्लिप्स सिखाऊंगा दोस्तों, ये मेरी रिपोर्टिंग के क्लिप्स हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने वाला हूं जिससे मैं आज तक अपने आप को जुदा नहीं कर पाया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जब उस बच्चे ने अपनी मां के कंधे पर दम तोड़ा था, वो लम्हा आज का लम्हा है। इंसेफ्लाइटिस एक ऐसी स्टोरी है जिससे मैं खुद को जुदा नहीं कर पाया हूं। इनफैक्ट सोशल मीडिया में भी जो मेरा प्रेजेंस बना वो एक वीडियो के जरिए बना था, एक फेसबुक लाइव के जरिए बना था, जिसका नाम था कि तुम में हिम्मत है अभिसार शर्मा, और उसके बाद एक बाद एक मैं फेसबुक लाइव करता गया, मगर वो पहला वीडियो था। उसके बाद मैं जमीन पे गया था और वो रिपोर्ट की थी, उस रिपोर्ट का नाम था 1 लाख बच्चियों का कातिल। और उसके कुछ दिनों बाद दोस्तों जब मैं वायर में के लिए कंसल्टेंसी कर रहा था, तब उनके लिए मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो दावा कि मैंने दस्तक 1 दस्तक 2 के जरिए इंसेफ्लाइटिस का समाधान कर लिया है, उसकी हकीकत मैंने उसके जरिए उजागर की थी। ये रिपोर्ट जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं आपको पहले सिर्फ 3 मिनट दिखाना चाहूंगा। आप ये रिपोर्ट देखिए और 2-3 चीजें जहन में रखिएगा, तस्वीरों के जरिए कहानी बयां करना, शॉक एलिमेंट, और वो खबर जो आपको आप पर इंपैक्ट करे। ये 3 एलिमेंट्स पर हम इसे देखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे। क्या आप ये बार हम ये कर सकते हैं प्लीज? चालीस साल खामोशी, कौन सुनेगा इन पक्षों की पुकार? इनकी चीख को तब भी अनसुना कर देंगे हम। इन्हें दर्द होगा
जाई मालूम भर जात हमके पता नहीं रहला मतलब कहां भर जाई कैसे हमके का हो जाए तब भी सरकार मोदी सरकार से भी भरोसा उठ गया कि वो कुछ करेगी उसके लिए इनकी आवाज़ें फिर होगी दफन मगर सबसे पहले गोंडा जिले के इस गांव में इस वक्त बिजली का ना होना सामान्य बात थी मगर इस अंधेरे में चलते हुए जिस हकीकत से हम रूबरू होने वाले थे उसके लिए तैयार नहीं थे हम जिस मंजर को देख रहे थे उस पर विश्वास कर पाना मुश्किल था हमारे सामने था ऐसा शख्स जिसे उसी के मां बाप ने पिछले 12 सालों से एक खूंटे से रस्सी से बांधा हुआ था एक जानवर की तरह आज वाकई अल्फाज नहीं है मेरे पास आप मेरे पीछे देख सकते हैं हेमंत पांडे को हेमंत पांडे जिन्हें खूंटे से बांध दिया गया है मां हेमंत पांडे कोई जानवर और वो इसलिए कि पिछले करीब 13-14 साल से इन्हें दिमागी ज्वर है यानी एंसेफलाइटिस और ये एंसेफलाइटिस की विरासत इनका परिवार करे भी तो क्या करे क्योंकि हेमंत पांडे पिछले कई सालों में न जाने कितनी बार यहां मौजूद जंगल की तरफ भाग चुके हैं और इन्हीं की सुरक्षा के लिए इनके मां बाप ने इस तरह से उन्हें खूंटे से बांधा हुआ है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एंसेफलाइटिस इस तरह से न जाने कितने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है आज रिपोर्ट के जरिए हम न सिर्फ हेमंत पांडे बल्कि उसी की तरह और न जाने कितने गुमनाम बच्चों की आवाज उनके चेहरे आप तक पहुंचाने वाले हैं बहुत मुश्किल है सर क्या करें मजबूरी है इसलिए बांध रहे हैं इतने सालों से आपको बांधना पड़ा 13 साल हो गए सर 13 साल से आप बांध के रखे हुए हैं वजह क्या है क्यों बांधते भाग जाते हैं सर जंगल है जंगल की तरफ भाग जाते हैं कई बार पकड़ के लाए वहां से बताइए आप माँ हैं हेमंत की आपके लिए कितना मुश्किल रहा इस तरह से अपने बेटे को खूंटे से बांध के रखना सर मुश्किल बहुत है लेकिन क्या करें अब मजबूरी है अगर खाना ना बनाए तो कैसे खाना सभी लोग पाए और इसलिए बांधे रहते हैं कब तक इन्हें पकड़े हैं कुछ उपचार चल रहा है इनका कुछ दवाई दे रहे हैं कुछ नहीं चल रहा है हमारे पास पूजी ही नहीं तो मैं कहाँ पर दवाई कराऊँ इलाज कराए बहुत दवा करा चुके लेकिन पूजी नहीं अभी बिटिया का इलाज चल रहा है ये बताइए इनके भविष्य के बारे में क्या सोचा है क्या इसी तरह से खूंटे से बांधे रहेंगे अब क्या करें सर जब हमारे पास मजबूरी है तो क्या करें कुछ कर ही नहीं सकते हैं बाकी जितनी बार मैं इस तस्वीर को अपने सामने देख रहा हूँ ये तस्वीर एक करारा तमाचा है सभ्य समाज पर ये तस्वीर एक करारा तमाचा है हमारी गवर्नेंस पर जी हाँ हमारी सरकारें किस तरह से चलती हैं अगर ये आवाज ये तस्वीर आपको नहीं हिला पा रही है ये दर्द आपको नहीं हिला पा रहा है वो दर्द जो कि माँ बाप के चेहरे पर दिखाई देता है तो मैं नहीं जानता क्या दर्द हमें हिला पाएगा अगर अब भी हमारा दिल इससे नहीं पसीजता है तो हम अंदर से पत्थर हो चुके हैं मां अपने पेट को लगातार प्यार करती है वो जानती है कि ऐसी तस्वीरें देखकर और ऐसी रिपोर्ट में जाकर आप इस समस्या की विकरालता को समझते हैं और न जाने क्यों एंसेफलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके मरीजों के साथ एक इमोशनल लिंक हो जाता है किसी को तकलीफ होते देखता हूं और जब सरकारों का उदासीन रवैया देखता हूं देखिए एक तो होता है कि एक व्यावहारिक तरीका होता है हम चीजों पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं मगर मुश्किल तब होती है जब सरकार आपको भ्रमित करती जब वो आपसे झूठ बोलती है कि हमने कंट्रोल कर लिया है That is the biggest tragedy.